डियर स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। दबाव समूह के कार्य और उसके रूप की। दबाव समूह कितने प्रकार के होते हैं? दबाव समूह अथवा हित समूह कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि नंबर एक है वर्गीय समूह, किसी विशेष वर्ग को लेकर जो समूह बनाया जाता है। जब किसी विशेष वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कोई दबाव समूह गठित किया जाता है तो हम उसे वर्गीय समूह कह सकते हैं। जैसा कि भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय किसान यूनियन आदि अपने संगठन अपने अपने वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पॉइंट नंबर दो है धार्मिक दबाव समूह। ऐसे दबाव समूह जो धार्मिक हितों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। धार्मिक समूह उन देशों में अधिक विकसित होते हैं जिन देशों में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। उदाहरण के लिए मुस्लिम लीग, जमायत उलमा, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, राम राज्य परिषद, कैथोलिक चर्च, सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी आदि। पॉइंट नंबर तीन है जातीय दबाव समूह। जातीय दबाव समूह विभिन्न जातियों के लोगों द्वारा अपनी जातियों के हितों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। जातीय दबाव समूह अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार पर विशेष प्रभाव डालते हैं। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जाट आरक्षण संघर्ष समिति, अग्रवाल सभा, ब्राह्मण सभा आदि सरकार से अधिक सुविधाएँ लेने का प्रयास करती हैं और अपनी जाति का विकास करना चाहती हैं। वो खाप पंचायतें भी इसी का उदाहरण है। पॉइंट नंबर चार है उद्देश्य दबाव समूह। उद्देश्य दबाव समूह किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही अस्तित्व में आते हैं। ऐसे उद्देश्य समाज के हित में होते हैं, जैसे कि दहेज प्रथा, बाल श्रम, बाल विवाह आदि बुराइयों को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। और कुछ दबाव समूह अस्थायी स्वरूप के होते हैं और उनका उद्देश्य पूरा होने पर वे समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि बाढ़ राहत समिति, रामलीला क्लब आदि। पॉइंट नंबर पाँच है अनियमित अथवा हिंसक समूह। ये दबाव समूह बिना किसी तैयारी योजना के अस्तित्व में आते हैं। जब कोई दबाव समूह अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन करता है अथवा जुलूस निकालता है और ऐसे समय में सदस्य अचानक हिंसक हो जाते हैं तो वह दबाव समूह हिंसक समूह का रूप धारण कर लेता है। ऐसे समूह किसी पूर्व योजना के अधीन हिंसक नहीं होते अपितु अचानक किसी कारण तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। ये थे दबाव समूह के प्रकार। और अब आता है दबाव समूह के कार्य कि वो काम क्या करते हैं। दबाव समूह लगभग सभी राज्यों में पाए जाते हैं। दबाव समूह की कार्यशैली राजनीतिक प्रणाली के स्वरूप पर निर्भर करती है। यदि राज्य में संसदीय लोकतंत्र है या देशात्मक प्रणाली है तो दबाव समूह ज़्यादा सक्रियता से कार्य करेंगे। यदि साम्यवादी प्रणाली है या राजतंत्रीय प्रणाली है तो दबाव समूह सीमित रूप से कार्य करेंगे। दबाव समूह का मुख्य कार्य तो अपने सदस्य के हितों की रक्षा होता है, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वे राजनीतिक प्रणाली नीति निर्माण प्रक्रिया को उससे प्रभावित करते हैं। दबाव समूह के कार्य हैं नंबर एक चुनाव के समय प्रत्याशियों की सहायता करना। दबाव समूह चुनाव के समय अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करते परंतु वे अपने हितों के सम्मुख रखकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की चुनाव में मदद अवश्य करते हैं। चुनाव जीतने के बाद दबाव समूह राजनीतिक दलों से अपने हितों को पूरा करवाने का वादा लेते हैं। अमेरिका में तो राष्ट्रपति के चुनाव में दबाव समूह अहम रोल अदा करते हैं। नंबर दो है सदस्यों के हितों की रक्षा करना। प्रत्येक दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य अपने वर्गीय हितों की रक्षा करना है। संयुक्त उद्देश्य एक ही वर्ग के सदस्यों के दबाव समूह के रूप में एकत्रित होने का मुख्य आधार है। यदि कोई संयुक्त हित न हो तो लोगों के किसी संगठन को हित समूह की संज्ञा दी जाती है। जिस संयुक्त हित अथवा हितों को मुख्य रखकर
दबाव समूह का निर्माण किया जाता है, वो संयुक्त हित अथवा कार्य की रक्षा और विकास की प्राप्ति करना प्रत्येक समूह का एकमात्र उद्देश्य होता है। पॉइंट नंबर 3 है प्रचार करना। वर्गीय दबाव समूह अपने हितों की रक्षा के लिए जन साधारण में प्रचार करना अति आवश्यक होता है, परंतु धार्मिक, जाति और उद्देश्य दबाव समूह को जन साधारण का समर्थन या उनके अंदर प्रचार करना आवश्यक नहीं होता है। जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए आंदोलन भी चलाए जाते हैं, जैसे गौ रक्षा समिति। लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए लोगों को और सरकार को गोचरण भूमि को मुक्त करवाने के लिए आंदोलन, भूख हड़ताल, धरना आदि का सहारा भी लेना पड़ता है। पॉइंट नंबर 4 है सरकारी अधिकारियों से संपर्क स्थापित करना। सरकारी अधिकारियों से निकट संपर्क स्थापित करना भी दबाव समूह का महत्वपूर्ण कार्य होता है। वर्गीय दबाव समूह खास तौर पर अफसरों से संपर्क स्थापित करते हैं। दबाव समूह अपने कार्यक्रमों में अफसरों जैसे उपायुक्त, पुलिस कमिश्नर आदि आला अफसरों को बुलाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में दबाव समूह के पदाधिकारी अफसरों को तोहफे भेंट करते हैं और उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाने और अपने संबंध स्थापित करते हैं, जानकारी जुटाते हैं। अगला पॉइंट है गोष्ठियों का प्रबंध करना। दबाव समूह के सदस्य समय समय पर विशेषज्ञों की गोष्ठियों का प्रबंध करते हैं। इन गोष्ठियों में सरकारी अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त विधानमंडल के सदस्यों तथा राजनीतिक दलों के नेताओं को भी इन गोष्ठियों में आमंत्रित किया जाता है। ऐसी गोष्ठियों में सरकार की नीतियों के विषय में विचार विमर्श होता है और इस विचार विमर्श के द्वारा सरकार को विशेषज्ञों तथा संबंधित दबाव समूह के विचारों की जानकारी भी मिलती है। अगला पॉइंट है सलाहकारी कार्य। दबाव समूह अपने अपने क्षेत्र के विषय में सरकार की नीति निर्माण करने के लिए परामर्श भी देते हैं। सरकार के भिन्न भिन्न विभाग संबंध दबाव समूह से उसके व्यवसायों के विषय में आवश्यक सूचना प्राप्त करते हैं। दबाव समूह के प्रतिनिधि सरकार को नई ग्रहण की जा रही नीति के विषय में या तो प्रोत्साहित करते हैं अथवा उसके दुष्परिणामों के विषय में सरकार को चेतावनी भी देते हैं। जब संसद में विभिन्न विषयों के संबंध में विधेयकों पर विचार किया जाता है तो दबाव समूह अपने प्रतिनिधियों द्वारा संसद की समितियाँ, अन्य सदस्य तथा मंत्रियों को आवश्यक सूचना व परामर्श देते हैं। सरकार के लिए ऐसी सूचनाएं बड़ी लाभकारी सिद्ध होती हैं। और अगला पॉइंट नंबर 7 है राजनीतिक दलों को अपने प्रभावाधीन रखना। दबाव समूह सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दलों को अपने प्रभाव में रखते हैं। इस उद्देश्य के लिए वे राजनीतिक दलों को गुप्त रूप से पर्याप्त मात्रा में चंदा देते हैं। राजनीतिक दलों को धन की आवश्यकता होती है, इसलिए वे बड़े बड़े उद्योगों, व्यापारियों की सहायता से इसे प्राप्त करते हैं और ऐसी सहायता के बदले में राजनीतिक दल वर्गीय दबाव समूह को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विशेष स्थिति अथवा सहायता देते हैं। थैंक यू।